आदमी है यहाँ पे बड़ा हाउस है, मेरा निवेदन है वो 200 किलो
बहुत सारे काम किए गए, कुछ तो रह गए, रह गए इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि उस तरीके से ट्रेनिंग आप लोगों की नहीं होती। एक तरीके से हम लोगों का, मैं अपना इसको पर्सनल फेलियर मानता हूँ कि हम लोगों का ट्रेनिंग होगा और नहीं नहीं कर पाए। बस सोच के आया था कि एक बार आप लोगों का रिवेन्यू का या फिर आर टी आई क्या कैसे करते हैं, सभी जॉब को एक साथ बैठा के ट्रेनिंग आयोजित करते हैं। जहाँ नहीं कर पाया प्रयास करूँगा वहाँ जाकर कर। दूसरा जो असंतोष है किसी भी कार्य प्रणाली से, इसलिए होता है कि हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। सिस्टम बनी है ना, लोगों से जो भी आए उसका काम हो जाए तो उसको लगता है कि आना सफल है। आप उसका काम करने के लिए आपको सैलरी मिल रहा है, उसको अपना काम कराने के लिए जितना मजबूरी जा रहा है, और आपके पास जो बड़ा आदमी होगा वो कर देता है, उसको एक फोन करेगा आप उसका काम बड़े आराम से कीजिएगा, दौड़ के कीजिएगा। वो छोटा आदमी है वो आएगा एक दिन की मजदूरी जो है 150-200 रुपये लगाएगा, फिर उसको दूसरे दिन आना पड़ेगा। तो प्रयास यही कीजिए ना कि उसको बार बार दौड़ना ना पड़े आप लोगों का। और कोई भी पदाधिकारी जो होता है वो ऐसा होता है जैसा उसका ऑफिस होता है, ऑफिस का जो स्टाफ है जो कर्मचारी है हमारे, अभी जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर हमारे वहाँ, हमारे ऑफिस में बहुत अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर, हमारे वहाँ एक फोर्थ ग्रेड है वो इतना अच्छा है, राजकुमार है क्या, जैसे राजकुमार इनकी योग्यता जो है किसी भी कर्मी से कम नहीं, कायदे से इनको लिपिट होना चाहिए, गोपनीय का जितना काम है। तो वही चीज़ है, इस तरह के लोग हैं हमारे में, और ऑफिस ऐसे ही लोगों से चलता है। हम लोग फ्री होकर काम कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है ऑफिस में ऐसे लोग विकास होगा बहुत अच्छा नॉलेज वही है, इसी तरह का जानकारी हमें सबके पास होना चाहिए। अगर नहीं है जानकारी तो अगर एक फील्ड ऑफिसर दिन भर दिन फील्ड में निकल जा रहा है तो ऑफिस कुछ नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे, गायब रहेंगे। और वो अगर ऑफिस वाला कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझ के काम कर दिया तो फिर फील्ड में आपके रहने का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा संवेदनशील होकर काम कीजिएगा। डी एस पी साहब के साथ भी काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा। कोई भी रेड करने में कहीं भी किसी प्रकार का वो नहीं लगा कि करने के बाद कुछ मैनेज किया जा सकता है, जो भी हम लोग किए वो लॉजिकल कंक्लूजन कर दिए। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, वो लोगों को पता चला होगा अभी हाल फिलहाल में इनके द्वारा, हमको लगता है कितने आंगनबाड़ी केंद्र, कितने पी डी एस की दुकान, कितने स्कूल का इंस्पेक्शन जो इंस्पेक्शन किया गया है बहुत कम किया जाता है। वही है, इनको भी गाड़ी एक उपलब्ध आ जाती है, इनको भी भय खत्म हो गया, फील्ड में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ है, सब लोग अच्छे से काम कीजिएगा। क्योंकि अवस्था उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कोर काम है ऑफिस का वो एक जगह चल रहा है, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो एक जगह चल रहा है, चैनलाइज हो गया, तो वो चूँकि चैनल में है इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो मूल सेवाएँ हैं आपकी आर टी पी एस की या फिर और भी जो आपसे रसीद काटना हुआ, प्रोफेसर हुआ, वो सारी चीज़ें का टाइम बहुत मेरा हमें डिस्काउंट कर दीजिएगा। शिक्षा विभाग से लोग हैं यहाँ पे, आप लोग ये दो इनिशिएटिव शुरू हुए हैं इसको चलाते रहिएगा, वो घरे नए वाले जो साहब से मैंने बता दिया है वो भी इंटरेस्ट लेंगे इसमें, और प्रयास कीजिएगा फरवरी तक मिल जाए, फरवरी तक थोड़ा अच्छा हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। जयनगर का थाना प्रभारी अधिकारी आपको एक विशेष उद्योग ले करेंगे, लोगों ने पूरे पर्व के समय में बहुत मेहनत किया है। थाना प्रभारी अंचल अधिकारी कौन सी उम्र देखी, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जितना भाग सकते हैं उससे ज़्यादा लोग भाग के दिन रात करके काम बहुत पसीना बहाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाएं, जो लोग और
करते हैं, चलिए आइए, चलिए जरा सा ऊंचा सा एक जरा सा पीछे हटिए। आइए रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, होगा नहीं टिकेगा नहीं।